देखिए काल भी आपने देखा है झारखंड सरकार का अंदरूनी पत्र जहां में यह लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। सीता सोरेन पर जो आप ये देखिए ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। देखिए काल भी आपने देखा है झारखंड सरकार का अंदरूनी पत्र जहां में यह लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। सीता सोरेन पर जो आप ये देखिए ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। देखिए काल भी आपने देखा है झारखंड सरकार का अंदरूनी पत्र जहां में यह लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। सीता सोरेन पर जो आप ये देखिए ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। देखिए काल भी आपने देखा है झारखंड सरकार का अंदरूनी पत्र जहां में यह लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर